दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंच एसेंस के दो बढ़िया परफ्यूम के बारे में, जिनकी सेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये दोनों परफ्यूम आपको बजट के अंदर मिल जाएंगे। बहुत ही कम खर्चे के अंदर आपको ये दोनों परफ्यूम मिल जाएंगे। एक का नाम है ट्रायम्फ और दूसरा है एम्बर मैजिक। नमस्कार दोस्तों, परफ्यूम रूट में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिद्धू। दोस्तों सबसे पहले, अगर आपको परफ्यूम लगाने अच्छे लगते हैं, परफ्यूम के बारे में अगर आपको जानना अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इनके ऊपर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ दोस्तों। और साथ लगे बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेना, जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। तो दोस्तों मेरे पास ये फ्रेंच एसेंस के दो नए परफ्यूम हैं, ये इनके नए लॉन्च हुए हैं परफ्यूम। एक का नाम है ट्रायम्फ और दूसरा है एम्बर मैजिक। तो एम्बर मैजिक मुझे ऐसे लगता है दोस्तों, ये कुछ टाइम पहले लॉन्च हो गया था, और ये ट्रायम्फ जो है परफ्यूम इनका, ये अभी नया लॉन्च हुआ है। और ये दोनों परफ्यूम मैंने यूज़ करे दोस्तों, काफ़ी अच्छे परफ्यूम हैं, इनकी सेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली जो इसका नाम है फ्रेंच एसेंस, इनकी दो सिस्टर कंसर्न कंपनी भी है दोस्तों, आप उनके प्रोडक्ट यूज़ कर भी चुके होंगे। एक का नाम है डेनवर, जो कि बहुत फेमस है, और बहुत लोग डेनवर के परफ्यूम यूज़ करते होंगे, उनके ड्यूज़ यूज़ करते होंगे, मैं भी यूज़ करता हूँ। और दूसरा है एनवी। ये दोनों जो ब्रांड है दोस्तों, ये फ्रेंच एसेंस के ही सिस्टर कंसर ब्रांड है। वनेसा कॉस्मेटिक आपने नाम सुना होगा दोस्तों, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो सारी की सारी वनेसा कॉस्मेटिक से होती है। तो फ्रेंच एसेंस के नाम से अगर आपको लग रहा होगा कि आपने कभी इनकी फ्रेगरेंस नहीं यूज़ करी, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने उसको स्मेल किया होगा, डेनवर के परफ्यूम, कोई भी डेनवर का परफ्यूम या एनवी का कोई भी डियो, तो आपको उनकी फ्रेगरेंस की क्वालिटी आपको पता होगी दोस्तों किस टाइप की है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इनकी फ्रेगरेंस होती हैं। तो सेम फ्रेंच एसेंस के ये दोनों परफ्यूम मैंने चेक किए, इन दोनों परफ्यूम्स की क्वालिटी, जो इनकी सेंट क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, ये दोनों बजट के अंदर हैं, दोनों के प्राइस ज़्यादा नहीं है, पर इनकी जो सेंट क्वालिटी है आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इनके नए लॉन्च किए गए परफ्यूम के बारे में बताता हूँ। इसका नाम है ट्रायम्फ। तो ये जो बॉटल है मेरे पास, ये 60 ml की बॉटल है, और ये जो परफ्यूम है ये एक EDB परफ्यूम है। तो ऑयल कंसंट्रेशन आपको अच्छा मिलने वाला है इसके अंदर, परफ्यूम की क्वालिटी या उसकी लास्टिंग आपको इसके अंदर अच्छी मिलेगी। तो इस परफ्यूम की जो खुशबू है दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि जो इसकी खुशबू है एक किसी महंगे परफ्यूम की तरह मुझे उसकी याद दिलाती है, ये उस कैटेगरी का मुझे परफ्यूम लगता है। तो ये बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको पहले इनकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, क्योंकि डेनवर की प्रेजेंटेशन भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनकी पैकिंग बहुत अच्छी लगती है, जो ये मटेरियल यूज़ करते हैं बॉक्स के अंदर या बॉटल या सेंट क्वालिटी के अंदर, तो ये इनके जो मटेरियल होते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ब्लू कलर का बॉक्स है, तो बॉक्स के फ्रंट पे आपको गोल्डन कलर के ऊपर इनका ब्रांड नाम मिलेगा फ्रेंच एसेंस, उसके ऊपर उसका लोगो, और बॉक्स के बिल्कुल नीचे लिखा है परफ्यूम का नाम ट्रायम्फ, जो कि एक 60 ml है। तो बैक साइड पे और फ्रंट पे आपको बिल्कुल सेम डिटेल यही मिलेगी, और साइड में इन्होंने काफ़ी सारी डिटेल लिखी है, इसका बैच कोड और इसका प्राइस भी लिखा है। इसके टॉप के ऊपर इसका फ्रेंच एसेंस का लोगो है, उसका नाम है। बॉटल जो है काफ़ी एक सॉलिड ग्लास की बॉटल है, बॉटल की शेप काफ़ी अच्छी है, जो इसकी डिज़ाइनिंग है काफ़ी अच्छी है, और जो बॉटल की मुझे लुक काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी लुक है। कैप मुझे एक प्लास्टिक का लगता है, पर इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है, इसका स्प्रे काफ़ी अच्छा है। तो जैसे मैंने दोस्तों इसको स्प्रे करा, तो डायरेक्ट मुझे इसकी जो खुशबू मिली है, तो वो मुझे डायरेक्ट याद दिला रही है उस महंगे परफ्यूम की, तो उसका नाम है दोस्तों अजारो क्रोम। तो इस परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस है दोस्तों, उस टाइप की है, ये उस कैटेगरी का परफ्यूम मुझे लगता है अजारो क्रोम की तरह। तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों, कि फ्रेंच एसेंस के अंदर ये आपको एक फ्रेगरेंस ऐसी मिलेगी बहुत ही कम प्राइस के अंदर, और बिल्कुल ऐसी खुशबू जो कि एक महंगे परफ्यूम की तरह जो खुशबू होती है। तो ये जो फ्रेगरेंस है, ये एक वुडी, फ्रेश, स्पाइसी, एरोमेटिक और उसके साथ सिट्रस टाइप की ये फ्रेगरेंस है। जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे दोस्तों, तो शुरू के अंदर आपको बर्गमॉट के साथ रोजमेरी और निरोली की जो खुशबू है, वो आपको इसके टॉप के अंदर मिलने वाली है, जो कि बहुत ही प्यारा सा एक फील देती है इसके टॉप के अंदर, इसके ओपनिंग के अंदर। और उसके साथ जो लेमन का एक बहुत ही एक वाइब्रेंट जो फील है, लेमन की जो एक खटास, और उसके साथ जो बर्गमॉट की जो मिठास, जो इसको एक बहुत ही ओपुलेंट फील देती है इसके ओपनिंग के अंदर, तो ओपनिंग इसकी बहुत ही प्यारी है दोस्तों।
तो सेम इसके मिडल के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी फ्लोरल टोन है, जैस्मिन, कोरिएंडर और ओक मॉस के साथ एक अर्थी टोन भी इसके मिडल के अंदर मिलने वाली है। और इसके बेस के अंदर एक ओरिएंटल सैंडलवुड की खुशबू आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड, एक बहुत ही स्मूथ सैंडलवुड, एक ओरिएंटल सैंडलवुड की जो खुशबू है आपको इसके बेस के अंदर मिलने वाली है। और उसके साथ टोंका बीन का एक कॉम्बिनेशन है जो कि इस परफ्यूम की फ्रेगरेंस को एक बहुत ही एक इन्वाइटिंग सी टोन बनाता है। और उसके साथ सिडारवुड का मुझे ब्लेंड काफ़ी अच्छा लगा, हालांकि इसके अंदर मस्क भी यूज़ किया गया है जो कि इसको एक पुश करता है, एक पूरी फ्रेगरेंस को एक पुश करता है इसकी लास्टिंग के लिए, तो मस्क का कॉम्बिनेशन भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये जो ब्लेंड है, जो एक मिश्रण है पूरे सारे शुरू से लेके इसके बेस तक, टॉप से लेके इसके बेस तक, तो वो एक बहुत ही बैलेंस तरीके से इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ दोस्तों, तो 60 ml की ये बॉटल आपको 350 रुपये के अंदर मिलने वाली है, 300 या 350 रुपये के अंदर आपको 60 ml की बॉटल मिल जाएगी। तो दोस्तों ये आप सोच सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले नाम बताया अजारो क्रोम, तो अजारो क्रोम की अगर आप प्राइस देखेंगे दोस्तों उस परफ्यूम की, तो आपको महंगी मिलेगी। तो सेम उस कैटेगरी की खुशबू आपको 300 से लेकर 350 रुपये के अंदर ये 60 ml के अंदर मिलेगी दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इस परफ्यूम को आप समर में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये समर फ्रेगरेंस है, एक आप दिन में यूज़ कर सकते हैं, शाम के समय यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज के लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है, ऑफिस के लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है, आप आउटडोर पूरा दिन काम करते हैं बाहर तो भी एक अच्छा ये परफ्यूम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस जो है दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि गर्मियों के दिनों में आराम से 6 घंटे या 7 घंटे मिलनी चाहिए। तो अभी सर्दियों के दिनों में भी मैंने इस परफ्यूम का प्रोजेक्शन चेक किया, तो आउटडोर मैंने इस परफ्यूम को चेक करा था, तो इसका प्रोजेक्शन मुझे 1.5 घंटे के आसपास मुझे प्रोजेक्शन इसका मिल रहा था, जो मुझे फील हुआ। और इसकी लास्टिंग जो है मुझे 6 से लेकर 7 घंटे तक की इसकी लास्टिंग मुझे मिलती रही। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि कोई भी परफ्यूम अगर आप 6 से लेकर 7 घंटे तक उसकी परफॉर्मेंस मिल रही है तो एक अच्छा परफ्यूम है, क्योंकि इंडियन वेदर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 7 घंटे तक कोई फ्रेगरेंस चल जाती है तो एक अच्छी बात है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, बजट के अंदर आपको एक महंगी खुशबू मिलेगी, 350 रुपये के अंदर आपको एक महंगी फ्रेगरेंस का एक एक्सपीरियंस मिलेगा इनके इस नए परफ्यूम के अंदर जिसका नाम है ट्रायम्फ। और इसको लगाने के लिए अगर मैं एज ग्रुप की बात करूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि 20 साल से ऊपर अगर आप हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस परफ्यूम को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा जो परफ्यूम है फ्रेंच एसेंस का, उसका नाम है एम्बर मैजिक, और ये भी दोस्तों एक EDB परफ्यूम है। और ये जो बॉटल है दोस्तों, ये 100 ml की बॉटल है, पहले जो बॉटल दिखाई थी मैंने आपको फ्रेंच एसेंस की ट्रायम्फ परफ्यूम की, ये 60 ml है। और जो दूसरा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एम्बर मैजिक, ये 100 ml की बॉटल है। तो बॉटल का डिज़ाइन आप देखेंगे दोस्तों बिल्कुल सेम है, कलर का आपको फ़र्क मिलेगा, बॉटल की शेप जो है वो बिल्कुल वैसी ही आपको मिलेगी, बस साइज़ का फ़र्क है, ये 60 ml है और ये 100 ml। जैसे कि इस परफ्यूम का नाम है एम्बर मैजिक, तो इसकी खुशबू भी दोस्तों उसी टाइप की इसके अंदर आपको मिलेगी, तभी इसका नाम है एम्बर मैजिक। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल सेम है दोस्तों, बस कलर का आपको फ़र्क मिलेगा। एम्बर मैजिक जो परफ्यूम है दोस्तों, इसका जो कैप है, कैप के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छी एक कलाकारी की है, कैप के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, कैप की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके कैप के डिज़ाइनिंग है। इसकी जो खुशबू है, जैसे कि इसका नाम है एम्बर मैजिक, तो ये जो परफ्यूम है ये एक एम्बर वुडी स्पाइसी और उसके साथ एक फ्लोरल टाइप की ये खुशबू है। तो जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो ओपनिंग के अंदर आपको फ्लोरल टोन के साथ एक एरोमेटिक टच मिलने वाला है, जो कि बहुत ही एक अच्छी फील देता है, एक बहुत ही बैलेंस तरीके से इसके अंदर आपको एक ये टोन मिलने वाली है जिसके साथ एक स्पाइसी टोन आपको मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है पर इसको एक बहुत ही एक अच्छी फील देती है इसके टॉप के अंदर। और मिडल के अंदर भी स्पाइसी और वुडी का एक ब्लेंड है जो कि बहुत ही बैलेंस तरीके से है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि आपको वुडी या स्पाइसी जो एक टोन है बहुत ज़्यादा, कहीं ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा कोई ओवर है या बहुत ज़्यादा कोई लो है, सारे के सारे आपको एक बहुत ही बैलेंस तरीके से आपको इसके अंदर मिलेंगे। और इसके बेस के अंदर, जैसे कि इस परफ्यूम का नाम है एम्बर मैजिक, तो इसके बेस के अंदर एम्बर, मस्क और लेदर का यूज़ किया गया है। तो मेरे ख्याल से कई मेरे ऐसे सज्जन दोस्त हैं जो कि लेदर की फ्रेगरेंस पसंद नहीं करते परफ्यूम के अंदर, और उनके लिए ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते,
इस परफ्यूम के जो बेस के अंदर जो लेदर यूज़ किया गया है दोस्तों, वो इसका एक टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो वो लेदर की जो खुशबू है वो एम्बर के साथ एक मिक्स होकर मिलती है, तो लेदर जो है बहुत ही एक हल्के तरीके से बहुत ही कम आपको इसके अंदर मिलेगा। और जो मस्क यूज़ किया गया है इसको एक बूस्ट करता है, इस पूरी फ्रेगरेंस को बूस्ट करता है इसकी लास्टिंग के लिए। तो ओवरऑल जो ब्लेंड है दोस्तों इस परफ्यूम के अंदर भी काफ़ी अच्छा ब्लेंड है, फ्रेंच एसेंस ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस परफ्यूम के अंदर भी। और ये जो फ्रेगरेंस है दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है इसकी जो खुशबू है कि ये ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद नहीं आएगी, ये मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी को पसंद आने वाली खुशबू है। और सबसे अच्छी बात, ये फ्रेगरेंस भी दोस्तों आपको एक सस्ते प्राइस के अंदर मिल जाएगी, ये 100 ml की बॉटल आपको 700 रुपये के अंदर मिल जाएगी। अच्छी फ्रेगरेंस है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों के ठंडे मौसम में यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस कॉलेज दोनों के लिए अच्छी ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस परफ्यूम की भी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे इन दिनों के अंदर एक बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बीस्ट मोड वाला प्रोजेक्शन मुझे मिला, एक मॉडरेट प्रोजेक्शन मुझे इस परफ्यूम से मिलता रहा, जो कि एक अच्छी बात है। ज़्यादा किसी को परेशान करने वाला परफ्यूम भी नहीं होना चाहिए, एक मॉडरेट प्रोजेक्शन मुझे इस परफ्यूम से मिला। और इसकी जो लास्टिंग है, मुझे 6 से लेकर 7 घंटे तक की लास्टिंग मुझे आराम से मिलती रही, जो कि एक अच्छी बात है। इंडियन वेदर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक अच्छा परफ्यूम है, आपको 7 घंटे के आसपास इसकी लास्टिंग आपको आराम से मिल जाएगी। एज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हर एक एज वाला बंदा लगा सकता है, ये एक जेंट्स फ्रेगरेंस है, एक मैस्कुलिन टच भी है इस परफ्यूम के अंदर। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये रिव्यू आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना दोस्तों कि अगर आप कोई फ्रेंच एसेंस का कोई भी परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं या डीओ यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसके साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए